आपने वड़ा पाव तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आपने ये चीज वाला वड़ा पाव मुझे नहीं लगता कभी खाया होगा। वो भी ऐसा, इसकी मेकिंग देखने के बाद आपके मुंह में आ जाएगा पानी। तो मेरे साथ पूरे एंड तक वीडियो में बने रहे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे अच्छा वड़ा पाव आपको कहाँ का लगता है। तब तक आप देखिए मेकिंग और उसके बाद मुझे बताइए मुंह में पानी आया या नहीं। भाई मैं आ गई हूँ फ्लेवर्स ऑफ महाराष्ट्र पे, जहाँ के वड़ा पाव और चाय ना लोगों की जुबान पे ऐसे छा रहे हैं ना जैसे दिल्ली वालों की जुबान पे मोमोज आजकल छा रहे हैं। तो भाई यहाँ के मैंने सोच लिया कि यहाँ के वड़ा पाव तो ट्राई करने। सबसे पहले इन्होंने ले लिया यहाँ पे वड़ा पाव का पाव और इसको मस्त अमूल के बटर में ये करने वाले फ्राई। भाई इन्होंने बहुत बटर यूज़ करा, अच्छे से उसको भैया रोस्ट कर दिया अच्छे से पाव का। यहाँ पे कलर देख रहे गोल्डन ब्राउन आहा। यहाँ पे हमारा आ गया है वड़ा तेल में गरम गरम। तो इसकी रेसिपी किस किस को पता है कि वड़ा आखिर बनता कैसे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आ गया, बाहर निकाल दिया इसको और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लगाई ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने और लहसुन की। आहा मुझे बहुत पसंद है भाई ये चटनी। ये आ गया इनका जो भी स्पेशल मसाला होता है वड़ा पाव का। यहाँ पे इन्होंने वड़ा रख दिया और साथ में चीज़। भाई आजकल हर चीज़ में चीज़ बहुत डालने का एक कहता ट्रेंड चल गया है। तो शुक्र है इन्होंने चाय में नहीं डाली थी, मेरे को डर लग रहा था कि चाय में चीज़ ना डाल दे क्योंकि आजकल चीज़ हर जगह हो रही है। तो भाई जब मैंने सच्ची बता रहा इनकी चाय मैंने फर्स्ट सिप लिया ना, ओए होए सारी ठंड मेरी दूर हो गई, मज़ा आ गया। बहुत ही कड़क और अदरक और इलायची का ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ वाला वड़ा पाव ट्राई करा फर्स्ट टाइम और सच बताओ मुझे इतना अच्छा लगा ना, अब तक का मैंने मतलब बेस्ट मैंने वड़ा पाव खाया तो यहीं का खाया, जनकपुरी C4E मार्केट। तो कभी भी आप आओ ना यहाँ ज़रूर ट्राई करना यार, मज़ा आ जाएगा। और आपको कहाँ के सबसे अच्छे वड़ा पाव लगे ना दिल्ली में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। साथ साथ यार अपना प्यार दे दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे फॉलो कर दो, इन कमेंट ज़रूर करना। और मुझे कोई भी ना अपनी आप स्टोरी बता सकते हो वड़ा पाव से रिलेटेड या किसी भी स्पेशल किसी के साथ अपनी स्पेशल डेट मारी चाय की, तो वो ज़रूर बताना। बाय।